आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर। आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो यहाँ पर डंप देखने को मिला है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, उसको आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज दोस्तों आपको बहुत अच्छी अपडेट यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज जो मार्केट यहाँ पर जो डंप हुआ है सारा का सारा मार्केट, इसके पीछे की क्या वजह थी, क्यों मार्केट आज नीचे आया है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को आप पूरा वॉच करना। यहाँ पर आज जो मार्केट की सिचुएशन है, इसको देख करके आपको या हमें यहाँ पर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं है जिससे हमें और आपको यहाँ पर पैनिक होना पड़े। बट यहाँ पर जो अपडेट आया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, उसको थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है कि आज जो पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पर जो डंप हुआ है, इसमें लगभग 336 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन जो है यहाँ पर जब्त किया है। और ये जब्त किसने किया है, ये दोस्तों अमेरिका के जो अधिकारक हैं, यानी वहाँ के जो न्यायालय के अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ पर 336 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन जब्त किया है। 336 बिलियन डॉलर का जो बिटकॉइन यहाँ पर जब्त हुआ है, वो क्यों हुआ है? यहाँ पर दोस्तों बाइनेंस की तरफ से जो बाइनेंस के सीईओ हैं, उनके एक्सचेंज पर जो FTX जो टोकन है, वहाँ पर उसके स्टेटमेंट को लेकर यहाँ पर जो अफवाहें हैं वो फैलाई जा रही हैं। यहाँ पर FTX के सीईओ हैं, उन्होंने बाइनेंस के सीईओ पर चांग पेंग जाहो पर एक आरोप लगाया है। उनको यहाँ पर एक झूठी साजिश में उनको फंसाया जा रहा है। यानी इस अपडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला ये जा रहा था कि बाइनेंस के सीईओ ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर ऐलान किया था कि FTX टोकन को ये किसी तरीके से मिटा देना चाहते हैं। यानी जिस प्रकार से लूना क्वाइन मिटा था, उसी प्रकार कहीं ना कहीं FTX टोकन को भी यहाँ पर बाइनेंस के सीईओ पर FTX के सीईओ ने एक आरोप लगाया है कि वो भी यहाँ पर FTX टोकन को मिटाना चाहते हैं। इस वजह से दोस्तों ये सारा मैटर जो है वो न्यायालय में पहुँचा, और न्यायालय में पहुँचने के बाद 336 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन यहाँ पर जब्त कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारा जो मैटर है, उसका असर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर पड़ा। जब 336 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन दोस्तों जब जब्त कर लिया जाएगा, तो मार्केट की सिचुएशन तो खराब हो ही सकती है। यहाँ पर सारे के सारे क्वाइन जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का कोई गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। ये आपसी कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो दोनों सीईओ के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइंड आउट करने की आवश्यकता है कि यहाँ पर कौन गलत है कौन सही है। 2012 में भी दोस्तों इसी प्रकार का एक प्रकरण यहाँ पर सामने आया था। वहाँ पर भी अमेरिका के जो न्यायालय के अधिकारी हैं, उन्होंने सॉरी 303 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन जब्त किया था 2012 में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वही इतिहास को आज दोबारा यहाँ पर दोहराया गया है, और यहाँ पर जो हुआ है वो मिसअंडरस्टैंडिंग के जरिए हुआ है। और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अगली वीडियो में इसका सारा अपडेट आपको मिलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सच्चाई है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि जो FTX के सीईओ हैं, वो बाइनेंस के सीईओ पर यहाँ पर जो अफवाह है या झूठा इनके ऊपर गलत आरोप लगाना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मैटर करता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों ये ऐसा किसी प्रकार का गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हम और आपको यहाँ पर मार्केट को देखकर डरने की आवश्यकता है दोस्तों। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी यहाँ पर पैनिक मत होइए, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है और आने का जो कारण है दोस्तों वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आप लोग बिंदास रहिए, ट्रेडिंग करिए, क्रिप्टो को होल्ड करिए, ज़्यादा यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और 2023 में दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो दोस्तों आज का यही मोटिव था हमारा वीडियो बनाने का, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।